अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2024 का वर्ष कैसा जाएगा, अब एनुअल प्रिडिक्शन है और परिवार जब इतना बड़ा है तो बहुत सारे व्यूअर्स की अलग अलग डिमांड रहती है। चंद्र राशि के हिसाब से सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, लग्न के हिसाब से मिथुन लग्न तक के वीडियो आए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न की, और फिर जो जिनको मूलांक के हिसाब से चाहिए, बर्थ डेट के हिसाब से चाहिए, वो टॉपिक कवर किया जाएगा आज से एमकेएसए के प्रोग्राम में। मतलब हर एक मूलांक की प्रिडिक्शन होगी और उसके बाद एमकेएसए होगी, तो 31 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। कर्क लग्न, चंद्र राशि का प्रभाव जीवन के ऊपर 30% तक रहता है और लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। लेकिन जब आप एनुअल प्रिडिक्शन की बात करें तो दोनों को सम्मिलित करके चलना चाहिए। अगर आपका कर्क लग्न है तो ये भी वीडियो देखना चाहिए, और जो भी आपकी चंद्र राशि है वो भी वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए साहब? दोनों में जो पॉजिटिव है वहाँ पर पूरा जोर लगा दीजिए, दोनों में जो नेगेटिव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखिए, और लग्न में जो चीज़ें नेगेटिव है वहाँ पे सावधानी ज़्यादा रखिए, तो आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। कर्क लग्न एक ऐसा लग्न है जहाँ पे जो हम सामान्यतः मंथ वाइज लग्नेश के हिसाब से जो बताते हैं, ये यहाँ पे संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? आपके लग्नेश बनते हैं चंद्र, हर सवा दो ढाई दिन में राशि बदल देते हैं, तो ये आपके लिए संभव नहीं हो पाता। उसके लिए आपको दैनिक राशिफल ही फॉलो करना पड़ेगा जो फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर आता है। कर्क लग्न मतलब जन्मांक खुलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी, उसमें जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली या लग्न चार्ट लिखा होगा। पुरानी वाली कुंडली है तो जन्मांक चक्रम लिखा होगा, और उस कुंडली के सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिएगा जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा, उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। वहां पे कोई ग्रह है नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर उस खाने में चार नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। 2023 के लिए भी हमने एनुअल प्रेडिक्शन की थी कि 2023 का वर्ष कर्क लग्न वालों के लिए शुभ नहीं दिख रहा है। जनवरी 2023 से ही शनिदेव आपके आठवें घर में आए हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए विपरीत बनी होगी। और इतना कम था तो अप्रैल 2022 से राहु आपके दसवें घर में आपके कर्म स्थान से जा रहे थे, वो भी पुरुष तत्व के, और वो भी मंगल की राशि में। मतलब राहु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए विपरीत था। तो 2023 में कर्क लग्न वालों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, और अगर व्यक्तिगत जन्मांक में भी बहुत सारी पीड़ाएं रही तो शायद कानूनी दृष्टिकोण से भी। लेकिन अब जब 2024 में हम एंटर होंगे तो शनिदेव तो आपके आठवें घर में ही रहेंगे, ये तो ढाई साल तक यहाँ पे विराजमान हो गए हैं, मतलब आठवें शनि की पीड़ा तो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आठवें घर में शनि बिल्कुल ठीक नहीं माने जाते, वैसे मूल त्रिकोण के हैं, अपनी ही घर में है, लेकिन आठवां घर है तो ये आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करते रहेंगे। तो क्या 2024 का वर्ष भी 2023 में जैसे कहा था वैसे नेगेटिव है? जी बिल्कुल नहीं साहब। एक स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो होते हैं, मतलब शनिदेव, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, जहां पे भी इनका गोचर आपके जन्मांक में चलता है, ये सारे के सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, अभी 30 अक्टूबर को ही ये राशि परिवर्तन हुआ है। देवगुरु हर एक साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये अभी मेष में चल रहे हैं, चंडाल दोष ब्रेक हो चुका है, तो राहु आ गए हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में कई लोग कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि भाग्य भाव का राहु अच्छा नहीं माना जाता। एक तो राहु जिस भी घर में जाता है उस घर के स्वामी की जो रिजल्ट्स हैं उसे एक्सटेंड कर देता है। तो बार नंबर की राशि, मीन राशि, मतलब देवगुरु की राशि, देवगुरु का गोचर अभी आपके दसवें घर से जा रहा है, देवगुरु अभी भी वक्री ही चल रहे हैं, तो बारहवें राहु का वो एक्सटेंडेड रिजल्ट अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 2024 की सुबह होगी, 1 जनवरी 2024 से आपके कर्म स्थान में 10th हाउस में देवगुरु मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अब सोचिए कर्म स्थान का देवगुरु
और राहु कहाँ है, देवगुरु की राशि में, तो कर्म स्थान के रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट है इन्हें ये बहुत ही नई हाइट देने की कोशिश करेगा। स्त्री तत्व की राशि मतलब 12 नंबर की राशि, मीन राशि का ये राहु, तो कर्म स्थान में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए। मई 2024 से ये गुरु चले जाएंगे वृषभ राशि, मतलब आपके 11th हाउस में, मतलब हाउस ऑफ गेम्स में, मतलब और भी ज्यादा लाभ वाली परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि राहु तो अब यहीं पे रहने वाले हैं पूरे 2024 में। तो गुरु जहां जहां पे भी गोचर करेंगे उस स्थान के संबंधित जो भी फायदे हैं उसे एक्सटेंड करने का काम राहु करेगा। तो जो पहला क्वार्टर है जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024, वहां पे आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बनना शुरू होगी। जो भी हर्डल्स का अनुभव आपने 2023 में किया था वो चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी, बाहर निकलने का रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा कि अब चीजें सेटल डाउन होना शुरू हुई। उसमें भी अप्रैल और मई का महीना थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मंगल पहुंचेंगे आपके भाग्य भाव में, तो मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा आपके भाग्य भाव में, तो अप्रैल और मई के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े और रिस्की डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर हम पूरे बात करें तो शनिदेव 8वें में है, तो 8वें शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाकी के स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपके लिए फैबुलस बने हुए हैं। फैबुलस वर्ड बहुत ही कम बार यूज किया जाता है, लेकिन फैबुलस बने हुए हैं, तो शनिदेव की नेगेटिविटी को ये कम कर देंगे। प्रॉब्लम वहां पे होगा जब अप्रैल और मई का महीना, मध्यभाग के आसपास के वो दो महीने, जब मंगल राहु का अंगारक दोष आपके भाग्य भाव में बनेगा, मतलब ये अंगारक दोष जब भी बनता है चीजें विपरीत बनती है साहब, आग और धुआं इकट्ठा आते हैं। मंगल मतलब फायरी प्लैनेट, आग और राहु मतलब इल्यूजन, धुआं, दोनों एक साथ है भाग्य भाव में, तो उन दो महीनों को संभाल के निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार का पारिवारिक वाद विवाद ना हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहे, व्हीकल ध्यान से चलाइए उन दो महीनों में, किसी को भी बिन मांगे सलामत दीजिए, और देना ही पड़े तो शब्दों के चयन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लीडरशिप का झंडा इन दो महीनों में तो बिल्कुल मत पकड़िए कहीं पे भी, जितना बच के निकलने का जो समय है वो अप्रैल और मई 2024 का समय है। तो देव गुरु अप्रैल 2024 तक वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद आपके हाउस ऑफ गेम्स में चले जाएंगे, मतलब कर्म स्थान के लिए 2024 का जो वर्ष है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज का मिलना हो, या फिर लंबे समय से जो आप राह देख रहे हो वो प्रमोशन का मिलना हो, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात हो, या फिर मनचाही जगह पे ट्रांसफर की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो सकती है 2024 में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल्स हो तो ये वर्ष आपके लिए और भी अच्छा सिद्ध हो सकता है। नए आइडियाज़ का क्लिक करना, उसे इम्प्लीमेंटेशन करना, नए क्लाइंट्स का मिलना, कोई नया बड़ा ऑर्डर मिल जाए, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। तो जब कार्यक्षेत्र आपका अच्छा होगा इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स वाली जो साइड है, जो 2023 में जिसको डेंट लगा था, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर ये घटित हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, नए दर्शकों के लिए आपके वो कमेंट्स प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो फाइनेंशियल पक्ष आपका मजबूत होता हुआ नजर आएगा। कई सारे कर्क लग्न वालों के लिए जो थोड़ी सी कर्जे वाली सिचुएशंस बनी थी, अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि इससे बाहर निकला जा सकता है। एस्पेक्ट इसका पड़ रहा है 4th हाउस पे, मतलब माता के साथ अगर आपके संबंध में थोड़ी सी कहीं पे कड़वाहट थी या सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा को डेंट लगा था तो उसके लिए भी अच्छा है। कर्क लग्न है, इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है, तो ये प्लस पॉइंट वाला एंगल 2024 में ज़्यादा दिख रहा है। 8वां शनि है तो कभी कभार इस प्रकार की परिस्थितियाँ जनरेट करेगा, लेकिन 2023 वाला खेल नहीं है साहब, ये काफ़ी अच्छा है। अभी केतु के ऊपर आएंगे, अभी तो गुरु और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन आपके लिए फेवरेबल है इसकी ही बात कर रहे हैं। तो जो लोग जिनका बिजनेस पब्लिक के साथ कनेक्ट होने का है इनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव समय मैंने बता दिया कि अप्रैल और मई 2024 संभाल के निकाल दीजिए। अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु डिटैचमेंट वाला ग्रह कहा जाता है कि जिस भी स्थान में जाता है उस स्थान के
संबंधित जो भी लक्षण होते हैं वहां पे डिटैचमेंट देता है। तीसरा स्थान पराक्रम भाव, मतलब भाइयों बहनों के साथ संबंध अगर खराब हुए हैं तो वहां पे पुरानी बातों को उखेड़िएगा, लेकिन ये केतु दुष्प्रभाव नहीं देगा इतने जितना डिटैचमेंट के लिए केतु जाना जाता है। क्यों नहीं देगा साहब? क्योंकि आया कहां पे है? कन्या राशि में। कन्या राशि किसकी? बुध की। बुध और केतु परम मित्र। अब परम मित्र के घर जब आप जाते हैं तो परम मित्र का घर आपको अपना ही घर लगता है, तो उस घर के संबंधित जितनी भी चीजें हैं इसे भरपूर पॉजिटिव एनर्जी देने का काम केतु करेगा। लेकिन है तो डिटैचमेंट वाला ग्रह, मतलब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। पराक्रम संबंधित भाव है, भाइयों बहनों के साथ संबंधों का भाव है, मतलब बहुत बड़े एडवेंचरस डिसीजन लेने का जो आपके अंदर ख्याल आएगा अभी दिसंबर 2023 में, ये अतिशयोक्ति लग सकती है क्योंकि अभी तो बैंड बजी हुई है, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन 2023 में बैंड बजी हुई है। लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, जैसे ही राहु उन्हें एक्सटेंड करेगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, फिर ये विचार आएंगे कि ये भी कर लेते हैं पराक्रम करने का, कोई बड़े डिसीजंस लेने का मन बनेगा 2024 में। केतु थर्ड हाउस में है, नो डाउट परम मित्र की राशि में है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं वहां पे, तो बड़े डिसीजन ले रहे हो तो ताव में आके उतावलेपन में मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से 5-10 बार टटोल लीजिए। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ विचार विमर्श कर लीजिए और सब कुछ सही लगे उसके बाद आगे बढ़िए। और दूसरा, अगर भाइयों बहनों के साथ संबंध पहले से तनावपूर्ण चल रहे हैं तो पुरानी बातों को उखेड़िएगा मत। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा दिख रहा है। दोज हु आर अनमैरिड, यस, अगर कर्क लग्न है तो विवाह के योग भी बनेंगे, काफी अच्छे बन रहे हैं, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से 2023 की कंपैरिजन में 2024 अच्छा है, कार्यक्षेत्र में अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आठवां शनि है और मंगल राहु का अंगारक दोष भाग्य स्थान में बनेगा अप्रैल और मई 2024 में। तो ओवरऑल 2024 का वर्ष 2023 की कंपैरिजन में नो डाउट आठवां शनि है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शंस। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।